यूपी बिहार सीमा पर सैदराजा पुलिस ने सब्जी लदे वाहन और दूध के बर्तन से बरामद किया विदेशी शराब, दो तस्कर गिरफ्तार। खबर चंदौली से है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के आदेश पर सैदराजा पुलिस यूपी बिहार सीमा पर मुस्तैद है और सभी वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान एक भार वाहन मैजिक जिस पर की सब्जी लदा हुआ था, बिहार नंबर की मैजिक चंदौली से बिहार की तरफ जा रही थी, जिसको यूपी बिहार सीमा पर नौबतपुर पुलिस बूथ के पास रोककर चेक किया गया तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मैजिक पर लदे सब्जी के बोरे के नीचे विदेशी शराब छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने जब शराब की मात्रा की गिनती की तो 572 बोतल रॉयल स्टैग विदेशी शराब और 110 केन बियर बरामद हुआ। साथ ही तस्कर सवार नारायण यादव, जो कि बिहार के कैमूर जिले के थाना मोहनिया के निवासी है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। वही नौबतपुर पुलिस बूथ के पास ही चेकिंग के दौरान यूपी 66 के 4655 नंबर की एक बाइक को पुलिस ने रोका। बाइक पर दूध के बड़े बड़े बर्तन बांधे गए थे। जब पुलिस को शक हुआ तो बर्तन की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से 8 PM 220 टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद हुई। बाइक चला रहा युवक मनीष यादव, जो कि चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र के पचपड़िया गांव का निवासी था, चंदौली से यह शराब खरीद कर बिहार में बेचने के लिए ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दोनों जनपद चंदौली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी एवं इसकी रोकथाम के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना सैयद राजा की पुलिस द्वारा एक टाटा मैजिक में, जिसमें सब्जी की आड़ में 572 बोतल रॉयल स्टैग की शराब और 110 बियर केन बरामद की गई है और इसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्कर इस शराब को सब्जी की आड़ में रख के टाटा मैजिक में बिहार प्रांत को ले जा रहे थे। गिरफ्तारी के पश्चात विधिक कार्रवाई सुसंगत धाराओं में संपन्न की जा रही है।